आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, मूलों की प्रकृति। किसके मूलों की प्रकृति? द्विघात समीकरण के। द्विघात समीकरण का मानक रूप आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है। इसमें एक बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो ये वैल्यूज होगी, इसको कहते हैं विविक्त कर। विविक्त कर, ठीक है। अब ये विविक्त कर बहुत इंपॉर्टेंट है मूलों की प्रकृति को जानने के लिए। तो कैसे जानेंगे हम मूलों की प्रकृति? तो सबसे पहले शुरू करते हैं विविक्त कर की। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कैसा है? क्या ये जीरो से बड़ा है, छोटा है, जीरो के बराबर है? तो इसी के आधार पर मूलों की प्रकृति ज्ञात होती है। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा होने का मतलब एक धनात्मक संख्या है, तो मूल जो होंगे द्विघात समीकरण के वो कैसे होंगे? वो मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक, तो मूल वास्तविक होंगे नंबर एक, और दो भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। दो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप दो चीज़ों को आपको समझना है कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान एक जीरो से बड़ा है या धन से, एक धन संख्या है, तो मूल वास्तविक होंगे और दो भिन्न होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा है तब मूल कैसे होंगे? तब मूल वास्तविक नहीं होंगे। यहाँ मूल वास्तविक नहीं होंगे। एक और कंडीशन है, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर हो जाएगा तब मूल वास्तविक होंगे। नंबर एक तो वास्तविक होंगे, दूसरा बराबर होंगे, दो बराबर, तो दो बराबर मूल होंगे। तो तीन चीजें आपको पता चली, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के जीरो से बड़ा होने पर मूल वास्तविक, दो अलग अलग। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर है, मूल वास्तविक, दो बराबर मूल। और अगर बी स्क्वायर माइनस जीरो से छोटा है, मतलब जीरो से छोटे का मतलब यहां पर कोई ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, तब मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो अब इस चीज को हम एक उदाहरण से समझते हैं, जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा कि मूलों की प्रकृति याद कीजिए, और आपके पास एक क्वेश्चन होगा, वो आपको दिया होगा कि इस वाले द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस फाइव, हमने एक उदाहरण ले लिया। इसमें सबसे पहले तुलना कीजिए, a बराबर एक्स वर्ग का गुणांक दो, बी बराबर माइनस तीन और सी बराबर है पाँच। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आएगा, यह हम निकालेंगे। बी स्क्वायर मतलब माइनस तीन का वर्ग माइनस फोर इंटू ए दो इंटू सी फाइव। तो तीन का जो वर्ग है वो नौ हो जाएगा, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक हो जाता है। और ये चार दूना आठ, आठ पंजे चालीस, तो ये बराबर हो गया माइनस इकतीस। और ये जीरो से छोटा है। अगर ये जीरो से छोटा है तो हम क्या लिखेंगे, मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो मूलों की प्रकृति यही लिखेंगे हम, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। यह हमारा आंसर रहेगा, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है अगर हमारा जो ये बी स्क्वायर माइनस फोर सी का मान है जीरो से कम आता है। किसी भी कोई भी नेगेटिव संख्या आती है अर्थात ऋणात्मक संख्या आती है तो उसी को हम जीरो से कम कहेंगे, और वही चीज़ हमको ये देगी मूलों की प्रकृति, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं
है, तो ये हम लिख देंगे, ये हमारा आंसर रहेगा।